इन दिनों बाढ़ का कहर इस कदर कोहराम मचा रहा है कि हर दिन एक न एक की मौत हो ही जाती है। फिर से तीन बच्चे की मौत हुई है। इसी कड़ी में फिर से तीन बच्चे डूबकर मर चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि तीनों बच्चे नहाने के लिए बाढ़ के पानी में गए थे और गहरी पानी के जाने के क्रम में डूब गए। उसके बाद तीनों बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मधुबनी जिले के रहिका थाना इलाके के ककरौल डुमरी गांव में एक दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बताते चले कि आज दिन में तीन बच्चे नहाने के लिए नदी में गए थे कि जिसके बाद तीनों बच्चे गहरी पानी में चले गए और डूब गए। बच्चे की मौत के बाद गाँव में कोहराम सा मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल रहिका थाना की पुलिस और अंचलाधिकारी मौके पर पहुंच चुकी है और परिजनों को सांत्वना दिया, साथ ही मृत बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। मधुबनी से स्वदेशवाणी के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।